हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल के अंदर। आज मैं आपको जो है पांच ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ राष्ट्रीय आय के चैप्टर में से, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इस चैप्टर के अंदर से। क्योंकि इस साल आप जानते ही हैं कि CBSE ने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया इस चैप्टर में से, मिसिंग वैल्यू का, जो बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस चैप्टर में से इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी आ सकता है। तो जब वो आया तो जो बच्चे प्रिपेयर करके गए थे, जिस टाइप का प्रिपेयर करके गए थे, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो बहुत बच्चों के क्वेश्चन जिसको आता था उन्होंने कर लिया, बट जिसको नहीं आता था उन सब के क्वेश्चन गलत हो गए और बेफालतू के 6 मार्क्स जो है उनके इस चैप्टर में से चले गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इस बार जो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, मैं वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा लास्ट तक, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे जाएगा। और बाकी के 4 ऐसे और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके इस बार आने के चांस हैं इस चैप्टर में से, किस किस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में से आ सकते हैं। आसान वाले तो हम सब पढ़ चुके हैं भाई, आय विधि हो गई, व्यय विधि हो गई, उत्पाद विधि हो गई, निजी आय, GNDI, NNDI, व्यक्ति प्रोजाय, ये सब पढ़ चुके हैं, बट वो थोड़े आसान थे। तो अगर थोड़े टेढ़े क्वेश्चन की बात करें तो टेढ़े क्वेश्चन जो हैं इसमें कैसे आते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, कह रहा है एक फर्म के निम्न आंकड़ों से इसकी कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि को ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है पहला, ये उत्पाद विधि का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे ये क्या पूछ रहा है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, शुद्ध मतलब एन, मूल्य वृद्धि मतलब वैल्यू एडिड, मतलब NVA एट FC निकालना है इसके अंदर आपको। पहले लिख लीजिए क्या निकालना है, NVA एट FC, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड किया है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके अंदर जो आपको कंपोनेंट दे रखे हैं ना, बस वो इसके अंदर थोड़ा ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे देखो, सबसे पहले इसने आपको क्या दिया, आर्थिक सहायता। दूसरा इसने क्या दिया आपको, बिक्री। तीसरा इसने क्या दिया, स्थिर पूंजी का उपभोग। और चौथा कॉम्पोनेंट इसने आपको इसके अंदर क्या दे दिया, वो दे दिया निर्यात। पांचवा क्या है, अंतिम स्टॉक, फिर प्रारंभिक स्टॉक, फिर मध्यवर्ती खरीद, और लास्ट के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है अपने प्रयोग के लिए मशीन की खरीद और कच्चे माल का आयात। तो इसके अंदर जो है इसने 3 कंपोनेंट आपको जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला आयात, दूसरा निर्यात, और तीसरा अपने प्रयोग के लिए मशीन की खरीद। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, उनके दिमाग में क्या रहता है कि अगर दिया है तो इसका कहीं ना कहीं तो यूज हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐड कर दूं या तो माइनस कर दूं, कैसे ना कैसे करके इसका कहीं ना कहीं यूज कर लूं। तो इन तीनों कंपोनेंट का कहां पर यूज होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो वही इसलिए ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये पहले उत्पाद विधि का क्वेश्चन है, तो उत्पाद विधि से अगर आपको कुछ भी निकालना हो तो मैंने आपको क्या बताया जी, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, या तो GDP एट MP होना चाहिए, या जब वैल्यू एडिट की बात चल रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, GVA एट MP, या तो ये होना चाहिए। और ये निकलता कैसे है, ये निकलता है उत्पाद का मूल्य, कैसे निकलता है ये, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये निकलता है जी ऐसे, ठीक है। अब ये उत्पाद का मूल्य और ये मध्यवर्ती उपभोग कैसे निकलता है, ये निकलता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो निर्यात दे रखा है ना, निर्यात मतलब क्या होता है, निर्यात मतलब भाई निर्यात को जो है आपको ये ध्यान रखना है, निर्यात को बिक्री का ही एक पार्ट माना जाएगा। निर्यात जो है, निर्यात को हम अलग से बिक्री के अंदर ऐड नहीं करेंगे, निर्यात ऑलरेडी बिक्री के अंदर इंक्लूड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिक्री इसमें कितनी दे रखी है, 800, तो ये हो गया बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कितना है 20, प्रारंभिक कितना है 50, तो अंतिम माइनस
प्रारंभिक, तो 20 माइनस 50 माइनस मध्यवर्ती, वो मध्यवर्ती खरीद कितनी दे रखी है इसने आपको, ये दे रखी है 500, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 820 में से या क्या माइनस 30 और ये आ गया माइनस 500, ठीक है। तो 800 में से आपको क्या करना है, 800 में से माइनस कर दीजिए 30 और माइनस कर दीजिए 500, तो आपका ये आ जाएगा 270। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया GVA at MP, बट उसने निकालने के लिए क्या बोला है, उसने निकालने के लिए बोला है NVA at FC, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है GVA at MP, तो हमें चाहिए नेट, हमारे पास है ग्रॉस, तो नेट चाहिए, तो माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड ठीक है, FC निकालना है हमें, FC का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NIT, तो इसमें से NIT जो है माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया आपका 270 माइनस, 270 में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको कितना दे रखा है, देखो आर्थिक स्थिर पूंजी का उपयोग 30, तो ये आ गया आपका 30 माइनस एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है, ये निकलता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो देखो अब दूसरी ट्रिक क्या है इसके अंदर, आर्थिक सहायता इसने दे रखी है 40, अब अप्रत्यक्ष कर देखो जरा क्या इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहीं आपको अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, देखो बिक्री है, डेप्रिसिएशन है, निर्यात सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, कैसे करते हैं इसको, अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो 0 माइनस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता कितनी है 40, अब देखो ये हो जाएगा 270 माइनस 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 40, तो माइनस का 30 प्लस तो 10 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 280 आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो इसके अंदर मैंने ना ही आयात का यूज करा है, ना ही निर्यात का यूज करा है, और ना ही अपने प्रयोग के लिए मशीन की खरीद, इन तीनों कंपोनेंट का कोई भी यूज नहीं होगा इसके अंदर, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। निर्यात बिक्री के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, आयात ये कह सकते हो मध्यवर्ती खरीद के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, और इस यूज का कोई भी यूज नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है ताकि बच्चे जानकर इसको गलत करें, इसको कहीं ऐड करें या माइनस करें। और दूसरा जैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो निकलता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो बच्चे क्या करते हैं अप्रत्यक्ष कर तो दे ही नहीं रखा, तो आर्थिक सहायता सबसे ऊपर दे रखा है तो उसको भूल ही जाते हैं, उसको दे ही नहीं रखा तो उसको जीरो लिख देते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका हजार बार आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है उत्पाद विधि के अंदर, अगर उत्पाद विधि के अंदर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन के चांस ज्यादा है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जामिनर डिफिकल्ट में। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से, एक तो कह रहा है कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद निकालना है हमें, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल दूसरे की वजह से ही ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विदेशों को कारक आय का परिकलन कीजिए, हमें निकालना है विदेशों को कारक आय, जैसे भाई NFIA कैसे निकलता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कैसे निकलता है, विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय, ये ऐसे निकलता है, ठीक है, तो हमें को वाली निकालनी है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में शायद ही होगा, बट एग्जाम में ये बहुत बारी आया हुआ है। तो इसमें कॉम्पोनेंट आपको देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखे हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है, लाभ लाभांश बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP at MP दे रखा है उसने आपको, किराया ब्याज और क्या क्या दे रखा है इसने आपको, सकल देशीय पूंजी निर्माण और निवल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, विदेशों से कारक आय और निवल अप्रत्यक्ष कर, ये सारी चीजें इसने आपको दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको चार फॉर्मूले जो है एक्स्ट्रा ध्यान रखने, इसको आप कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप फॉर्मूले हैं, ये आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है, और ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में कहीं पे भी नहीं करा रखे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या कहीं लिखना चाहो तो वहां लिख सकते हो। सबसे पहले है मूल्यह्रास, मूल्यह्रास के दो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने हैं, ये दोनों क्या क्या है, एक तो होता है मूल्यह्रास का सकल देशीय पूंजी निर्माण माइनस ब्रैकेट निवल स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, अगर आपको सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है, देखो दूसरा क्या है
सकल स्थायी पूंजी निर्माण, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है या सकल स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा है। अगर सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है तो ये वाला लगाना पड़ेगा, अगर स्थायी दे रखा है तो ये वाला, या तो ये स्थायी होगा या ये स्थायी होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निवल वाला स्थायी है, ये वाला स्थायी नहीं है, इस वाले में क्या है, ये वाला स्थाई है, निवल वाला स्थाई नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और दूसरा है NFIA, दो फॉर्मूले NFIA के हैं और दो फॉर्मूले मूल्यह्रास के हैं। NFIA का आपको क्या ध्यान रखना है, ये निकलता है, ये तो पता ही है आपको कि NFIA निकलता है विदेशों से कारक आय और विदेशों को कारक आय, ये तो आपको पता ही है। बट ये ऐसे भी निकल सकता है GNP अटेम्प्ट, मतलब या तो FCFC या MPMP, अगर हम राष्ट्रीय में से घरेलू को माइनस कर दें, मतलब GNP@FC में से GDP@FC माइनस कर दें तो भी NFIA आ जाएगा, या GNP@MP में से GDP@MP माइनस कर दें तो भी NFIA आपका आ जाता है। तो ये चार एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो इसके अंदर यूज होने हैं। अब ये कैसे यूज होने हैं वो देख लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले इसने निकालने के लिए क्या बोला है, इसने बोला है कि कारक लागत पर, पहले तो देखो निकालना क्या है, सकल देशीय उत्पाद GDP और किस पे निकालना है, FC पर निकालना है, कारक लागत पर GDP@FC निकालना है आपको। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ GDP@FC ये निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसका है, देखो पहले भाई ये क्वेश्चन आपको दिख, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष, और ये क्वेश्चन है आय विधि का, उसके कॉम्पोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो आय विधि से सबसे पहले क्या निकालते हैं, आय विधि से सबसे पहले आपके पास जो आपका टूल होना चाहिए वो होना चाहिए NDP@FC। NDP@FC कैसे निकलता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दे रखा है ये आपको 800, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष अगर आपको सीधा ना दे रखा हो तो क्या क्या जोड़ते हैं इसके अंदर, सबसे पहले किराया 150, किराए को ही लगान कहते हैं, फिर ब्याज ये कितना दे रखा है आपको 100, फिर जोड़ते हैं लाभ ये दे रखा है 200, और फिर उसने क्या चालपंती करी आपके साथ, लाभ के साथ लाभांश भी दे दिया ताकि आप इसको ऐड करो, जबकि लाभांश लाभ में ऑलरेडी इंक्लूड होता है इसलिए आपको दोबारा से ऐड नहीं करना है, कहीं दो बारी ऐड कर दो तो दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी, और रॉयल्टी इसके अंदर आपको नहीं दे रखी है तो ठीक है। प्लस स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो ये आ गया आपका 0। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 800 + 200 + 300 + 400 = 450, और ये हो गया आपका 1250, ठीक है। ये आ गया आपका NDP@FC, बट इसने निकालने के लिए क्या बोला था, इसने निकालने के लिए बोला है GDP@FC, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है NDP@FC। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए ग्रॉस, हमारे पास है नेट, तो प्लस डेप्रिसिएशन इसके अंदर और ऐड कर देना है, बाकी डोमेस्टिक ठीक है, FC ठीक है, तो हमें केवल डेप्रिसिएशन ऐड करना है। बट जब आप ऊपर देखोगे क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं गिवन है। देखो इतने क्या क्या दे रखा है, कर्मचारी का पारिश्रमिक, लाभ, लाभांश, बाजार कीमत, किराया, ब्याज, सकल देशी, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ये देखना है कि सकल देशीय पूंजी निर्माण दे रखा है या सकल स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा है। तो देखो इसने क्या दे रखा है, सकल देशीय पूंजी निर्माण, ये जो तीन कंपोनेंट आपको दे रखे हैं ना, ये डेप्रिसिएशन के लिए इसने आपको दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन जो निकलेगा आपका वो यहीं से निकलेगा। सकल देशीय पूंजी निर्माण मतलब पहले ही वाला फॉर्मूला लग रहा है, सकल देशीय पूंजी निर्माण में से आपको क्या क्या माइनस करना है, निवल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़कर सकल देशीय पूंजी निर्माण में से माइनस कर देना है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250 प्लस सकल देशीय पूंजी निर्माण कितना दे रखा है इसने आपको 300, तो 300 में से आपको माइनस करना है ये दोनों, निवल स्थायी पूंजी निर्माण 200 और स्टॉक में परिवर्तन 50, तो 200 + 50 ये आपको माइनस कर देना है, तो 1250 + 300 और -250, तो इधर करोगे 50 और आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1300। तो भाई GDP@FC कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1300, ठीक है। चलो एक चीज़ तो आपकी आ गई, अब दूसरा उसने क्या बोला था,
दूसरा उसने बोला है आपको विदेशों को कारक आय का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो आपको विदेशों को कारक आय निकालनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसने आपको क्या दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसने आपको दे रखा है GNP, इसको क्या कहेंगे GNP एट MP इसने आपको दे रखा है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे गिवन होगा ना क्वेश्चन के अंदर, वही NFIA वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, NFIA का क्या फॉर्मूला होता है भाई, NFIA का आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, NFIA इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस GDP एट MP। अगर हम राष्ट्रीय में से घरेलू माइनस कर दें तो हमारे पास NFIA आ जाएगा, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपके पास है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ये नहीं है GDP एट MP। अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो NFIA आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है GDP एट MP, ये निकालना है हमें पहले, सबसे पहले। तो देखो कैसे निकलेगा ये, भाई हमें चाहिए GDP एट MP, ठीक है। और अभी हमने पीछे क्या निकाला है, GDP एट FC हमने निकाल रखा है, ये हमारे पास है। तो बस क्या करना है, ग्रॉस ठीक है, डोमेस्टिक ठीक है, MP का फॉर्मूला क्या होता है, FC प्लस NIT, ये कर देंगे। तो ये कितना आया था हमारा अभी, 1300 प्लस NIT देख लो कितना गिवन है आपको, NIT इसने आपको दे रखा है, निवल अप्रत्यक्ष कर इसने दे रखा है आपको 120। तो 120 को जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया 120। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1420, ये आ गया GDP। अब हम उस फॉर्मूले में रख सकते हैं, NFIA इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस GDP एट MP, ठीक है। अब भाई ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1420 माइनस GNP एट MP, इसने आपको कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है इसने आपको 1400। तो इस 1400 को जो है पुट कर दीजिए, GNP एट MP 1400 दे रखा है, तो 1400 में से 1420 गए। तो ये NFIA कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका माइनस का 20, ठीक है, ये आ गया NFIA। अब मैंने आपको क्या बताया, NFIA का एक और फॉर्मूला होता है, NFIA का क्या फॉर्मूला होता है, विदेशों से कारक आए माइनस विदेशों को, से में से को माइनस करते हैं, ये कितना निकाल लिया आपने 20। से वाला आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर से वाला, अगर को पूछ रहा है ये तो से वाला दे रखा होगा, कितना दे रखा है ये आपको 60, देखो तो ये आपको दे रखा है इसने 60 माइनस विदेशों को। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का है तो बराबर के इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विदेशों को माइनस 20 इज इक्वल टू 60। ये माइनस का था, बराबर के इधर आकर प्लस का हो गया, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का। तो आपको निकालना है विदेशों को, तो ये जो माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 60 प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपका 80 आंसर, ठीक है। तो अगर आपको को वाला दे रखा है तो वो से दे रखा होगा, अगर वो आपको से वाला पूछ रहा है तो आपको उसने को दे रखा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको कौन सा कराया, अभी मैंने आपको कराया को वाला, अब मैं आपको कराता हूँ से वाला। अगर वो से वाला आपको दे दे और मूल्यह्रास का भी दूसरे वाला वो लगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा, बोर बिल्कुल मत भी होइएगा, अगर बोर हो रहे हो तो फिर बाद में देख लीजिएगा जी, वॉच लेटर पे लगा लीजिए और मैं क्या कह सकता हूँ। बट ये क्वेश्चन आपके वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से, सबसे पहले क्या निकालना है, कह रहा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट MP, ये निकालना है इसके अंदर आपको, ठीक है। और दूसरे में क्या निकालना है, विदेशों से कारक आय। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है से, वहां पे पहले वाले दूसरे में क्या निकालना था, उसमें निकालना था को, तो अब ये से। अब देखो इसमें कंपोनेंट आपको क्या क्या दे रखे हैं, इसमें आपको दे रखा है जी लाभ 500, निर्यात
कर्मचारियों का पारिश्रमिक कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण किराया ब्याज विदेशों को कारक आय निवल अप्रत्यक्ष कर निवल घरेलू पूंजी निर्माण सकल स्थायी पूंजी निर्माण स्टॉक में परिवर्तन, ये कॉम्पोनेंट आपको इसके अंदर गिवन है। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है जी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रचालन अधिशेष आपको दिख ही रहा है, तो आय विधि का क्वेश्चन है। निकालने के लिए उसने क्या बोला था, सबसे पहले तो वो लिख लीजिए, हमें निकालना है जी GDP एट MP, ये निकालना है और विदेशों से चीज निकालना है। क्वेश्चन है आय विधि का, तो आय विधि से सबसे पहले क्या निकलता है, NDP एट FC। तो NDP एट FC कैसे निकलता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दे रखा है जी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 1500, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया। उसके बाद आता है प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष सीधा नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले किराया 300, किराए को ही लगान कहते हैं, ब्याज 400 प्लस लाभ सबसे ऊपर दे रखा है 500, ठीक है जी, किराया ब्याज लाभ रॉयल्टी नहीं है और स्वनियोजितों की मिश्रित आय भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो प्लस 0, इस सबको ऐड कर लीजिए, 1500 प्लस 500 और 400 हो गए जी आपके 900, 900 और 300 हो गए जी आपके 1200। अब 1500 और 1200 को ऐड कर लीजिए, 1500 प्लस 1200 तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 2700, NDP एट FC आ गया, बट उसने निकालने के लिए क्या बोला है, GDP एट MP और हमारे पास NDP एट FC है, तो ग्रॉस चाहिए तो प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, DP ठीक है, MP FC प्लस NIT, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2700 प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमें चाहिए तो ऊपर डेप्रिसिएशन आपको गिवन नहीं है, बट फिर वही इसके अंदर भी वही दूसरी वाली ट्रिक लगनी है, आपको क्या देखना है, अब इसमें दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है सकल, ये वाला जो मैंने आपको बताया सकल स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर देना है और निवल घरेलू पूंजी निर्माण को माइनस कर देना है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये रहा 700 प्लस 50, इन दोनों को जोड़कर ये 650 माइनस कर देना है, ठीक है, ये रहा इस डेप्रिसिएशन है 700 में से इन दोनों को जोड़कर ये माइनस कर देना है और प्लस NIT निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर दे रखा है जी 250, ये आ गया आपका 250, तो इस सबको सॉल्व कर लीजिए, 2700 ये जाएगा आपका 750 में से 650 गए, ये आपका आ जाएगा 100 प्लस 250, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 2700 के अंदर आपको 350 ऐड करने हैं, तो ये आ जाएगा आपका जी 3050, ठीक है, 3050 आ गया आपका GDP at MP तो अब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है विदेशों से कारक आय निकालनी है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जो इसके अंदर आपको गिवन होगा कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये दे रखा है, तो ये इतने क्या दे रखा है आपको GNP at FC दे रखा है 2800। तो NFIA में कैसे निकाल सकता हूँ भाई, NFIA इज इक्वल टू GNP at FC माइनस GDP at FC, ये मैं निकाल सकता हूँ जी ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास ये है, मुझे ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए GDP at FC, तो पहले मैं GDP at FC निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे GDP at FC निकालना है और मेरे पास NDP at FC हैगा, ठीक है, तो मुझे चाहिए, इधर देखिए ध्यान से, मुझे GDP at FC चाहिए और मेरे पास NDP at FC हैगा, तो ग्रॉस चाहिए मुझे, तो प्लस डेप्रिसिएशन में जोड़ दूंगा, बाकी DP ठीक है, FC वो भी ठीक है, तो NDP at FC मेरे पास कितना आ गया था जी, NDP at FC मेरे पास आया था 2700, ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2700 और प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो है नहीं, फिर वैसे ही निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से देख लो कितना कैलकुलेट करके आया था डेप्रिसिएशन आपका, ये आया था, ये इन दोनों को जोड़कर माइनस करना है, तो 100 डेप्रिसिएशन आपका कितना है 100, तो 100 इसमें मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये आ गया आपका 2800, ठीक है, ये आ गया GDP at FC। अब GDP at FC आ गया तो NFIA आपका निकल जाएगा GNP at FC माइनस GDP at FC, तो ये आ गया आपका 2800 माइनस GNP at FC, देख लो कितना दे रखा है,
तो जीएनपी एट एफसी ने आपको 2800 ही दे रखा है, तो 2800 में से 2800 चले गए, तो इसमें आपका एनएफआईए कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अब एनएफआईए कैसे निकलता है, एनएफआईए इज इक्वल टू विदेशों से माइनस विदेशों को, ठीक है, ये आपको जीरो दे रखा है इसने, से वाला ये पूछ रहा है आपसे, विदेशों से को वाला देख लो, को वाला कितना दे रखा है, तो आंसर आ गया आपका, को वाला इसने दे रखा है जी आपको 120। तो 120 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये माइनस का है तो बराबर के इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा आपका विदेशों से। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मोस्टली सेकंड और थर्ड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इन क्वेश्चनों के चांस ज़्यादा हैं आने के, विदेशों से निकालो, विदेशों को निकालो, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो उत्पाद विधि के अंदर कराया, मे बी आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वो चार फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपको वो याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें वही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कोई भी अदर अल्टरनेटिव वे नहीं है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। एक तो जीएनपी एट एमपी निकालना है आपको, ठीक है, और दूसरा बी पार्ट क्या निकालना है, कह रहा है विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण ज्ञात कीजिए, विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण। तो अगर आपने राष्ट्रीय पूरी पढ़ ली है तो आपको ये पता होगा कि ये कहाँ पर आता है, ये जो आता है आपका, एक तो आता है जीएनडीआई पर और एक आता है एनएनडीआई पर, ये दोनों में आता है, जीएनडीआई और एनएनडीआई, उसमें हम ये ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो पहले बाद में करते हैं, पहले ए पार्ट करते हैं, जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी ये आपको निकालना है। तो हमें पहले क्वेश्चन किसका है, ये देखो आपको क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या गिवन है डेटा के अंदर, निवल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, मतलब ये आपको दे रखा है इसने एनएनडीआई, ठीक है, एनएनडीआई इसने आपको दे रखा है, और निवल अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, निजी अंतिम उपभोग व सरकारी अंतिम उपभोग व, तो पता ही चल गया आपको किसका क्वेश्चन है, व्यय विधि का क्वेश्चन है, और व्यय विधि के अंदर हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एमपी निकाल लीजिए, निजी अंतिम उपभोग व 750 प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व 250, तो निजी और सरकारी दोनों को जोड़ दिया, निजी अंतिम उपभोग व प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपको अगर क्या दे रखा है इसने आपको, देखो इसने दे रखा है शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, तो इनने तो शुद्ध दे रखा है, पहले इसको सकल में बदलना पड़ेगा, ये ऐसे 200 दे रखा है, तो इस 200 के अंदर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, और ये स्थायी वाला दे रखा है, पहले तो इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो, डेप्रिसिएशन इसमें कितना दे रखा है, मूल्यह्रास ये दे रखा है 50, तो जब आप इसके अंदर 50 जोड़ दोगे तो ये हो गया 250, ठीक है। अभी आ गया सकल, ये बन गया सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, और फिर इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, स्टॉक में परिवर्तन कितना दे रखा है 10, तब जाकर आपके पास सकल घरेलू पूंजी निर्माण आएगा, ठीक है, और प्लस शुद्ध निर्यात कितना दे रखा है इसने आपको, निवल आयात दे रखा है माइनस का 40, तो आयात माइनस करते हैं और माइनस का ही दे रखा है, तो ये हो गया जी 40, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, ये हो गया आपका 800, ये हो गया 1000 प्लस, और ये कितना हो गया आपका 260 ये हो गया, और प्लस 1300 आ गया, ये आपका जीडीपी एट एमपी 1300 आ गया, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी, और हमारे पास जीडीपी एट एमपी हैगा, ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, ग्रॉस एनपी डीपी प्लस एनएफआई और जोड़ देंगे जी इसके अंदर, बाकी सब तो ठीक है, तो ये आ गया आपका 1300 के अंदर प्लस ऐड कर देंगे एनएफआईए, विदेशों से कारक आय, इनने को वाली दे रखी है आपको, विदेशों को निवल कारक आय, क्या माइनस, को माइनस करते हैं और माइनस की ही दे रखी है आपको, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका 1320, तो जीएनपी एट एमपी आ गया आपका 1320। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, देखो
एक तो एनएनडीआई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एनएनडीआई कैसे निकलता है। अगर एनएनडीआई का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, देखो एनएनडीआई का फॉर्मूला क्या होता है। एनएनडीआई का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एमपी प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, या तो ये लगा सकते हो आप, ठीक है। या पहले आप जी, आपके पास देखो है क्या, आपके पास है जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। अगर आप इसी से निकाल लेते हो जो इसने दे रखा है एनएनडीआई वाले से, देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं एनएनडीआई वाला, एनएनडीआई इज इक्वल टू ये लगा लीजिए एनएनपी एट एमपी प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है इसके अंदर बी पार्ट में, ठीक है, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। तो भाई ये निकालने के लिए मेरे पास ये है, ये निकालना है तो मेरे पास ये होना चाहिए भाई। तीन में से जब दो चीजें होंगी तभी तो तीसरी निकलेगी ना। तो आपको किसी तरह क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है, और आपके पास क्या है, आपके पास जीएनपी एट एमपी हैगा। तो मैं यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, मुझे एनएनपी एट एमपी की ज़रूरत है और मेरे पास जीएनपी एट एमपी हैगा, तो मुझे चाहिए नेट, आपके पास है ग्रॉस। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन और कर दूंगा, बाकी सब कुछ ठीक है, एनपी एमपी एम बाकी ठीक है। तो ये कितना है बता आपका, 1320 माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस कर दीजिए इसमें से, ये दे रखा है 50, तो जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 50, 1320 में से माइनस कर दीजिए 50, तो ये आ गया आपका 1270, ठीक है। अब 1270 आ गया, अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा जी, एनएनडीआई इज मतलब इस फॉर्मूले में 1100 ये दे रखा है, 1100 इज इक्वल टू 1270 प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। देखो 1100 इज इक्वल टू 1270 प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये आ गया। अब देखो इसको यहाँ ना माइनस कर दीजिए, बस 1100 में से आपको माइनस करना है 1270, तो ये कितना आ जाएगा आपका, नेगेटिव की फिगर आ जाएगी आपकी, ठीक है। 1100 में से माइनस कर दीजिए 1270, तो ये आ गया आपका माइनस का 170, ठीक है, ये आ गया विदेशों से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ठीक है। ये था आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए बस आप, ये क्वेश्चन आपका इस बार के सीबीएसई के अंदर आया था, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। तो क्या है ये, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। पता है मुझे आप अच्छा खासा बोर हो रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी जा चुकी है, बट फ़ायदा इसमें आपका ही है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं प्री बोर्ड मॉक टेस्ट कहीं भी, ये क्वेश्चंस आपको टकरा सकते हैं, ठीक है, और वो भी 6 मार्क्स के अंदर अंदर। तो अगर करके जाते हैं तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, कुछ पड़ा हुआ जो है कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर, एक तो इसके अंदर निकालना है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और दूसरा निकालना है मजदूरी व वेतन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखो डेटा कैसे गिवन है, क्या क्या दे रखा है, कह रहा है स्वनियोजितों की मिश्रिता है, स्वनियोजितों की मिश्रिता दे रखी है 3500, निवल अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 300, मजदूरी व वेतन पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सरकारी अंतिम उपभोग पे इतना, निवल निर्यात इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, राष्ट्रीय इतनी, लाभ इतना, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और निजी अंतिम उपभोग वह 11000, ये आपको जो है इसके अंदर गिवन है। अब क्या करना है आपको, दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो यहाँ पे मजदूरी तथा वेतन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे फाइंड होगा, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। बस जिसको जैसा चल रहा था क्वेश्चन चलता रहा, जैसा पेन चल रहा है, जैसा दिमाग चल रहा है वैसा चलता रहा। बट उन्होंने एक चीज नहीं देखी, उसने आपको एक चीज दे रखी है राष्ट्रीय आय, मतलब पूरा काम ही खत्म कर दिया उसने, राष्ट्रीय आय दे दी 30,000 रुपए। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय आप जानते ही हैं एनएनपी एट एफसी, ये आपको इसने दे दिया सीधा, ठीक है। तो
जब इसने आपको ये दे दिया तो सारा काम ही खत्म हो गया, बस भाई उसने टूल ही आपको पकड़ा दिया। अब ये जो क्वेश्चन था ये केवल अगर आपको चेंजिंग करना बहुत अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। चेंजिंग का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं पैसे सबसे पहले बोलूँ मुझे मजदूरी तथा वेतन निकालना है, तो भाई मुझे पता है दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आय विधि और व्यय विधि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आय विधि में ही निकलेगा मजदूरी तथा वेतन, और आय विधि में क्या निकलता है सबसे पहले भाई एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ऐसे निकलता है ये, ठीक है। मिश्रित आय आपको दे रखी है, प्रचालन अधिशेष दे रखा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमें निकालना है मतलब मजदूरी तथा वेतन हमें निकालना है, और ये नहीं पता है हमें एनडी भाई। अब चार चीजें हैं, चार चीजों में से मुझे ये निकालना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो मुझे ये पता होना चाहिए भाई। चार में से जब तीन चीजें पता होगी तभी तो मैं चौथी निकाल पाऊंगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एनडीपी एट एफसी किसी भी तरीके से, और भाई मुझे चाहिए यहाँ देखो एनडीपी एट एफसी मुझे चाहिए, और मेरे पास क्या है राष्ट्रीय आय है मेरे पास एनएनपी एट एफसी, मुझे डोमेस्टिक चाहिए मेरे पास नेशनल है, घरेलू चाहिए राष्ट्रीय है मेरे पास, तो डीपी में से क्या डीपी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस एनएफआईए, मुझे जो राष्ट्रीय आय है उसमें से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाना पड़ेगा। ये आपको दे रखी है 30,000 और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये दे रखी है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय 700 दे रखी है ये इसने, तो ये आ गया 700। और जब मैं 30,000 में से माइनस कर दूंगा 700 तो ये आ गया जी आपका 29,300, ठीक है ये आ गया 29,300। अब मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा 29,300 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, प्लस प्रचालन अधिशेष इसने सीधा दे रखा है 12,000, और प्लस मिश्रित आय, मिश्रित आय भी इसने सबसे ऊपर दे रखी है 3,500। अब मैं क्या करूंगा भाई इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दो इसको, 12,000 प्लस 3,500 ये हो गए आपके 15,500, और माइनस कर दो इसको 29,300 में से, तो ये आ गया 13,800। आपको क्या करना है इसमें से ये दोनों प्लस के हैं इक्वल टू के इधर आकर माइनस कर दीजिए इसको 12,000 को भी और 3,500 को भी, तो आपके पास इधर क्या बचेगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। तो जब इसको माइनस कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 13,800 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है ये आ गया आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। अब दूसरा ये तो हो गया एक पार्ट तो हो गया इसका, बी पार्ट में जो मजदूरी तथा वेतन निकालना था। अब दूसरे में हमें क्या निकालना है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपको पता ही है किस में आता है, ये आता है आपका व्यय विधि के अंदर। भाई व्यय विधि के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, ये कैसे निकलता है ये निकलता है आपका अंतिम उपभोग व्यय प्लस अंतिम उपभोग व्यय के बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्लस शुद्ध निर्यात, ये हो गया, ठीक है ऐसे निकलता है। अब भाई ये मेरे पास है निजी अंतिम उपभोग व्यय सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये मुझे फाइंड करना है, शुद्ध निर्यात भी है, तो फिर वही बात हो गई चार चीजें में से आपके पास जब तक तीन होंगी तभी तो आप निकाल पाओगे ना, वरना कैसे निकालोगे। तो मुझे क्या निकालना है सबसे पहले, मुझे सबसे पहले निकालना है जीडीपी, थोड़ा नीचे लिख लीजिए हाँ यहाँ लिख लो, मुझे निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और जीडीपी एट एमपी मुझे निकालना है, किसी से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, आपके पास दो दो चीज़ें हैं, आपको एमपी चाहिए तो आप क्या करो एनडीपी एट एफसी से ही निकाल लो, चलो एनडीपी आपके पास एनडीपी एट एफसी ये इससे फाइंड कर लो, आपको ग्रॉस चाहिए आपके पास नेट है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन डीपी डीपी, ठीक है। एमपी का फॉर्मूला क्या होता है एफसी प्लस एनआईटी, ये हो गया। तो एनडीपी एट एफसी अभी आपने पीछे कितना फाइंड करा है, एनडीपी एट एफसी अभी आपने पीछे निकाला है 13,800 आगे, सॉरी एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी आपका आया हुआ है 29,300, तो ये आपका आया हुआ है जी 29,300 प्लस
डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास इसके अंदर और ऐड कर दीजिए, और एनआईटी। तो मूल्यह्रास देख लीजिए कितना दे रखा है इसने आपको, निवल अप्रत्यक्ष कर एनआईटी तो दे रखा है 300, स्थिर पूंजी का उपभोग 300, दोनों ही डिजिट जो है आपको 300 300 दे रखी है इसने, तो 600 इसके अंदर और ऐड करना है, 300 प्लस 300, तो ये कितना हो जाएगा आपका जी 29, 300 के अंदर ऐड करना है 300 और ऐड करना है 300, तो ये हो गया आपका 29,900। ठीक है, ये आ गया GDP एट MP, तब मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा 29,900 इज इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। देख लो जी कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 14,000 और निजी अंतिम उपभोग व्यय स्वनियोजितों की मिश्रित है, निवल अप्रत्यक्ष कर मजदूरी तथा वेतन, सरकारी निवल स्थिर पूंजी का उपभोग, विदेशों से प्राप्त प्रचालन अधिशेष, निजी अंतिम उपभोग व्यय सबसे नीचे दे रखा है 11,000 का, तो 11,000 और 14,000 इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंतिम उपभोग व्यय आ जाएगा आपका 14,000 प्लस 11,000। ठीक है, ये आ गया आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये आपको निकालना है सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात कितना दे रखा है जी इसने आपको, निवल निर्यात दे रखा है इसने आपको 3,000, तो ये आ गया आपका 3,000। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका 14,000 प्लस 11,000 प्लस 3,000, इन तीनों का ऐड कर दिया आ गया 28,000, तो ये कितना हो गया आपका 29,900 में से ये हो गया आपका 28,000, इसको इसको और इसको ऐड करने पे प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस 29,900, तो ये कितना हो गया 1900 आ गया आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो आपके राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में से आ सकते हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर ये आए और अगर आपने ये नहीं कर रखा होगा तो ये समझ लो आपके 6 नंबर तो गए हुए ही गए हुए हैं। इसमें आपको कुछ भी समझना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको परेशान करने के लिए दिया है, जितना चाहे उतना परेशान कर सकते हैं, आप खुद सॉल्व कीजिए। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के मिल जाते हैं, अगर आपके पास टी आर जैन के अलावा कोई और बुक है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि टी आर जैन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। विदेशों से विदेशों को अगर आपके पास पुरानी टी आर जैन है तो हाँ उसमें मिल सकते हैं, नई वाली टी आर जैन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है टी आर जैन के अलावा तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, सॉल्व करो, नहीं होते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। ठीक है ना, इसमें मे भी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय का अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा इस। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं रोज़ाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और अगर टाइम मिले 43 मिनट वेस्ट करने के बाद सिर्फ एक मिनट मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे आपका जो है रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है, तो कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि कितने ऊपर से जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। Have a good day. Bye bye. Take care.